नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से सटी ग्राम खापरखेड़ा की दुव्यर हाउस में संचालित धान के बीज की फैक्ट्री में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर पिपरिया एसडीएम संतोष तिवारी, तहसीलदार पूनम साहू सहित फूड कृषि श्रम वेयर हाउस कॉरपोरेशन विभाग ने छापा मारा। आपको बता दें कि खापरखेड़ा स्थित दो वेयर हाउस कृषि धन शीट्स प्राइवेट लिमिटेड और गिरधर वेयर हाउसिंग के यहां लंबे समय से धान के बीज बनाने का काम जारी था। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को मिली सूचना के आधार पर प्रशासन ने इन फैक्ट्री पर छापा मारा। दरअसल कृषि धन शीट्स जालना महाराष्ट्र के पते पर यहाँ धान के बीज की पैकेजिंग हो रही थी। इन वेयर हाउस में बाल श्रमिक भी काम करते मिले हैं। यह फैक्ट्री वेयर हाउस में संचालित हो रही थी जो कि नियम विरुद्ध है। प्रशासन ने इन फैक्ट्री से धान के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। वेयर हाउस का संचालन फैक्ट्री के रूप में होता पाया गया है। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालकों से अनुमति के दस्तावेज भी मांगे। बाल श्रम निषेध कानून बनने के लगभग 36 साल बाद भी बाल मजदूरी खत्म होने का नाम नहीं लेते दिख रही। प्रदेश में बाल श्रम को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा जिला प्रशासन रसूखदारों पर क्या कार्रवाई कर पाता है। नहीं मिले हैं, कार्यरत नहीं पाए गए हैं और 14-18 ईयर्स के किशोर श्रमिक जो है वो 3 मिले हैं हमको और उसको छोटे मोटे वायलेशन है उसमें स्वास्थ्य के संबंध में और उनको जितना टाइम उसको उनको काम पे रखना चाहिए उससे थोड़ा सा इधर उधर वायलेशंस है। तो उस संबंध में जो कार्रवाई होगी वो एक हफ्ते के अंदर इनको एक प्रतिवेदन देना है, उसके बाद में कार्रवाई। ठीक, थैंक यू। ये एक दूदानी जी और काबरा जी का वेयर हाउस है। यहाँ पर जो शिकायत मिली थी कि धान की पैकेजिंग बीज के हिसाब से की जाती है तो उसको निरीक्षण किया गया है। पैकेजिंग का प्लांट लगा हुआ है। अब इनसे जो भी इसके संचालक हैं उनसे पूरे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और हमारे साथ में कृषि विभाग, श्रम विभाग, वेयर हाउस, रेवेन्यू सबके अधिकारी हैं। तो ये पूरा अपने अपने हिसाब से नियमों के तहत जाँच करेंगे और संबंधित से पूरे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। जो भी उसकी रिपोर्ट कर हम वो जाँच कर रहे हैं। श्रम विभाग के अधिकारी वो चीज़ें क्या है उन्हीं से जानकारी मिलेगी। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।